टॉपिक इज सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग ग्राफ। तो मान लो कि हमें एक इक्वेशन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इसमें जो ये एफ ऑफ एक्स है वो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एंड जी ऑफ एक्स ये या तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है या हो सकता है ये नॉन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो। अब हमें क्या करना है कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स टाइप का इक्वेशन है उसको ग्राफ से सॉल्व करना है। इसमें एफ एक्स तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या तो फिर नॉन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। एग्जैक्टली वैल्यू नहीं चाहिए एक्स की, सॉल्यूशन एग्जैक्टली नहीं चाहिए, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो लेफ्ट साइड में हमें दिया गया है एफ एक्स, तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। देन राइट साइड में जो फंक्शन दिया है उसका भी हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, तो ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू जी एक्स। और फिर ये दोनों जो ग्राफ है उनके नंबर ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ ग्राफ of y equal to fx and y equal to gx, ये दोनों के जो ग्राफ है वो कितनी बार इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट्स हम फाइंड कर लेंगे, और वो ही हमें क्या देंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो हमें अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स टाइप का इक्वेशन दिया है, ग्राफ से हमें इनको सॉल्व करना है, तो हम दोनों फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इक्वल टू जी एक्स का, वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो फाइंड कर लेंगे, और वही हमारे लिए क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। मान लो कि आपका क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाय टेन। ओके, तो यहां पर हमें दो फंक्शन दिए गए हैं, एक तो है साइन एक्स, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और x बाय टेन है, तो यहां से हो गया y इक्वल टू x बाय टेन। अब ये जो दोनों फंक्शन है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो साइन एक्स इसका डोमेन तो x बिलोंग्स टू r है, y इक्वल टू x बाय टेन ये एक लाइन है इसका भी डोमेन बिलोंग्स टू r है, तो हम ग्राफ कहाँ तक ड्रॉ करें? तो साइन जो फंक्शन है इनका हम रेंज जानते हैं, तो साइन का रेंज होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1, -1 साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाय टेन दिया गया है, तो यहाँ पर एक्स बाय टेन लेस और इक्वल टू वन, टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -10 से लेके 10। तो हमें ग्राफ कहाँ तक ड्रॉ करना चाहिए, -10 से लेके 10, बट यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में तो हम एंगल और वो भी रेडियन में यूज करेंगे, तो उसके लिए भी पाई कितना होगा, 3.14 अप्रोक्सीमेटली होता है, 10 के नियर, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 9.42। इसका मतलब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे -10 से 10, और ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब एंगल वाइज बात करें तो -3π से 3π एटलीस्ट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, अब ग्राफ बनाने के लिए x एक्सिस एंड y एक्सिस बना लेते हैं। ओके, सो this one is x axis and y axis. Okay, now either
जीरो, यहाँ पर कर देते हैं पाई, देन टू पाई, देन थ्री पाई, और थ्री पाई से बाद में हमें मिल जाएगा टेन, थ्री पाई से ग्रेटर, ओके, बिकॉज थ्री पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 9.42 है। ऐसे यहाँ पर माइनस पाई, देन माइनस टू पाई, देन माइनस थ्री पाई, एंड यहाँ पर मान देते हैं माइनस टेन। ओके, अब वाई इक्वल टू एक्स बाई टेन का ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं, बराबर। और इसका ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम x का वैल्यू 10 लेते हैं। अगर हम x का वैल्यू 10 लेंगे तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 10 अपॉन 10 दैट इज 1। ओके, तो यहाँ पर दिखा देते हैं 1। एंड अगर हम x का वैल्यू माइनस 10 लेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा माइनस 10 अपॉन 10 दैट इज माइनस 1। इधर रख देते हैं माइनस 1। ओके, चलो फिर इसका ग्राफ बनाने के लिए माइनस 10 से लेके प्लस 10 तक ओके, यहां तक हमने बना दिया है माइनस 10 से 10 तक, और ये ग्राफ है वो ओरिजिन से पास भी होगा, बराबर, क्योंकि अगर आप एक्स का वैल्यू जीरो लेंगे तो वाई का वैल्यू जीरो अपॉन टेन जीरो, तो ये ग्राफ जीरो जीरो से पास होना चाहिए, बराबर, या ऐसा थोड़ा नीचे हो चुका है बट एक्चुअली ये ओरिजिन से पास होता है। ओके, सो दिस वन इज, थोड़ा आगे ले लेते हैं इसको, और यहाँ पर हमें समझना है कि ये ओरिजिन से पास होता है। दिस वन इज वाई इक्वल टू एक्स बाय टेन। फिर साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो साइन का ग्राफ साइन जीरो जीरो, ओके, सो इट इज जीरो पाई पे जीरो, फिर वापस टू पाई पे जीरो, देन यहाँ से ये ऊपर की तरफ चलेगा, एंड देन थ्री पाई पे अगेन जीरो, एंड देन नीचे की तरफ चला जाएगा। ओके, यहाँ पर माइनस वन है इनका मिनिमम, तो इट इज लाइक दिस वन, फिर यहाँ से माइनस टू पाई पे जीरो, देन अगेन माइनस थ्री पाई, एंड लाइक दिस। अब हम काउंट कर लेंगे कि हमारे जो ग्राफ है दोनों वो एक दूसरे को कितनी बार इंटरसेक्ट कर चुके हैं। सो वन, देन टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन। सेवन टाइम ये दोनों ग्राफ ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। ये जो ग्राफ था वो है वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज सेवन, क्योंकि ये जो दो ग्राफ हैं वो एक दूसरे को सेवन टाइम इंटरसेक्ट कर चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x इक्वल टू 3π इनटू 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहां पर है 2x इक्वल टू 3π इनटू 1 माइनस कॉस एक्स, तो हम लिख सकते हैं 2x अपॉन 3π इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, एंड देयरफॉर कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x अपॉन 3π, बराबर, क्योंकि हमें थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करने में सिंपल रहे। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक तो y इक्वल टू कॉस एक्स का, और साथ में y इक्वल टू 1 माइनस 2x अपॉन 3π। वापस वही इक्वेशन होगा कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करें हम। तो cos x है, cos x का जो रेंज होता है वो है क्लोज इंटरवल माइनस 1 टू 1, और cos x का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 1 माइनस 2x अपॉन
थ्री पाई लेस और इक्वल टू वन। सबसे पहले हम हर एक में से वन सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो अगर हम वन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वन ही हो गया माइनस टू, यहाँ से हो गया माइनस टू एक्स अपॉन थ्री पाई और लास्ट में वन सब्सट्रैक्ट करने पर जीरो। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस थ्री पाई बाई टू से, तो अगर हम माइनस थ्री पाई बाई टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा थ्री पाई, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, यहाँ पर हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा जीरो। ये हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ थ्री पाई बाई टू, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स होता है। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा जीरो से थ्री पाई में, किसका, वाई इक्वल टू कॉस एक्स एंड वाई इक्वल टू वन माइनस टू एक्स अपॉन थ्री पाई का। ओके, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते हैं, दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पर है जीरो, देन यहाँ पर रख देते हैं पाई, टू पाई एंड देन थ्री पाई, मिडल में भी रख देते हैं पाई अपॉन टू, देन थ्री पाई अपॉन टू एंड देन फाइव पाई अपॉन टू। सबसे पहले हम लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो अगर हम एक्स इक्वल टू जीरो लेते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो सिलेक्ट करने पर वाई का वैल्यू कितना मिल जाएगा, वन। ओके, तो जीरो पे तो वन मिल चुका है, देन एक और थ्री पाई बाई टू, यहाँ पर थ्री पाई बाई टू पे जीरो दिख रहा है हमें, तो एक्स का वैल्यू थ्री पाई बाई टू रखते हैं। अगर हम एक्स का वैल्यू थ्री पाई बाई टू रखेंगे तो वाई का वैल्यू वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, मीन्स ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। एंड लास्ट में हम एक्स का वैल्यू थ्री पाई रख देते हैं, तो अगर हम एक्स का वैल्यू थ्री पाई रखेंगे तो थ्री पाई रखने पर ये कैंसिल, वन माइनस टू, वन माइनस टू मतलब माइनस वन। चलो, तो ये हो गया वन, यहाँ पर लिख देते हैं माइनस वन, कलर चेंज कर देते हैं। ओके, तो जीरो पे वन मिला है, थ्री पाई बाई टू पर जीरो एंड थ्री पाई पे माइनस वन। अब यहाँ से एक बार लाइन हो जाए बस, जैसे या दिस वन इज लाइन y इक्वल टू वन माइनस टू एक्स अपॉन थ्री पाई। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है cos का बिटवीन जीरो एंड थ्री पाई, तो cos जीरो, cos जीरो वन होता है, पहले कलर cos जीरो वन। ओके, इसके बाद ये कुछ चलेगा ऐसे, पाई बाई टू पे जीरो, देन पाई पर ये होगा माइनस वन, देन थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू पे ये जीरो, आफ्टर दैट टू पाई पे वन, देन फाइव पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू पे इनका वैल्यू हो जाएगा जीरो एंड देन थ्री पाई, थ्री पाई पे ये माइनस वन होता है, थ्री पाई पे ये हो जाएगा माइनस वन। ओके, तो ये हमने ड्रॉ कर लिए ग्राफ। अब हमें ये देखना है कि ये ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को, एक तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, देन अनदर इधर भी इंटरसेक्ट किया, देन थर्ड पॉइंट, देन वन मोर टाइम यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे और लास्ट में यहाँ पर भी इंटरसेक्ट किया। तो ये दोनों जो ग्राफ है वो एक दूसरे को वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव टाइम इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसको फाइव सॉल्यूशन है।
अब हम ये जो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स टाइप के ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, इनइक्वालिटी के ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बराबर। एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड एक नॉन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो यहां पर हमें दिया गया है सॉल्व एक्स स्क्वायर लेस देन साइन पाई एक्स बाय टू। तो इनइक्वालिटी है, एक हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू साइन पाई एक्स बाय टू का। अब इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है, उसके पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूं और फिर इक्वेशन इनइक्वालिटी देख के डिसाइड करेंगे, बराबर, कि एक्चुअली इसको कैसे सॉल्व करना है। तो साइन पाई एक्स बाय टू है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले ये जो y इक्वल टू साइन पाई एक्स बाय टू है, इसका पीरियड फाइंड कर लेते हैं, बराबर, क्योंकि साइन पीरियडिक फंक्शन है, तो इनका पीरियड होगा 2 पाई अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज पाई अपॉन 2, सो इट इज 4। साइन पाई एक्स बाय टू जो है, इसका पीरियड 4 है, तो हम 1 टू 4 पॉजिटिव एंड नेगेटिव में ड्रॉ कर लेंगे इनका ग्राफ। ओके, पीरियड फाइंड कर लिए, मींस 4 लेंथ के बाद इसका जो ग्राफ है वो रिपीट करेगा। वो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पीरियडिक फंक्शन क्या होता है, मींस कितने इंटरवल की लेंथ के बाद ग्राफ रिपीट करेगा, वो हम कुछ ज्योमेट्रिकली पीरियड का मीनिंग बोलते हैं। तो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हो चुका है हमारा। ओके, अब फटाफट से नंबर लिख देते हैं। सो से इट इज 0, 1, 2, 3, 4, नेगेटिव में भी लिख देते हैं, -1, -2, -3, -4। अगर हम x का वैल्यू 0 लेंगे तो y, पहले साइन का ड्रॉ करते हैं, तो अगर हम x का वैल्यू 0 लेंगे तो y इक्वल टू साइन 0, साइन 0 इज 0। ओके, अगर हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो y इक्वल टू साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 इज 1। देन अगर हम 2 लेंगे तो साइन 2 पाई अपॉन 2, दैट इज साइन पाई 0। 3 लेने पर 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पर साइन का वैल्यू होता है -1 एंड यहां पर हो जाएगा 2 पाई। तो ये कुछ हो जाएगा साइन पाई एक्स बाय टू का ग्राफ, और जैसा हमने इस साइड ड्रॉ किया है बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, क्योंकि इसका पीरियड 4 है, वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, बराबर, कि पीरियड 4 है। तो ये ग्राफ जैसा 0 और 4 के बीच में है, बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ -4 और 0 के बीच में भी होगा। दिस वन इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन 2। या नाउ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है, ओपन अपवर्ड्स। ओके, और यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे, x का वैल्यू 0 लेने पर y का वैल्यू भी 0 मिलेगा, तो 0 पे तो 0 मिलेगा। x का वैल्यू 1 लेने पर 1 मिलेगा, -1 लेने पर भी y इक्वल टू 1। तो आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर आप ड्रॉ करते हैं ग्राफ, तो ये कुछ ऐसे होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब हमें जो इनइक्वालिटी दी थी वो देखते हैं। हमें ये चाहिए था कि x स्क्वायर से साइन पाई एक्स अपॉन टू जो है वो ग्रेटर होना चाहिए। तो ग्राफ में आप ऐसा पार्ट ढूंढो जहां पर साइन पाई एक्स बाय टू का ग्राफ x स्क्वायर के ग्राफ से ऊपर है। ऐसा पार्ट ढूंढो जहां पर साइन पाई एक्स बाय टू का जो ग्राफ है वो एक्स स्क्वायर के ग्राफ से ऊपर की तरफ होना चाहिए, बराबर, क्योंकि हमें साइन पाई एक्स बाय टू ग्रेटर चाहिए। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें साइन का ग्राफ ऊपर है? देखो, ये ब्लैक कलर का साइन का ग्राफ है, ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें साइन का ग्राफ
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से ऊपर की तरफ है, बाकी पूरे डोमेन में आपका जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है वो ऊपर रहेगा, हमें तो साइन का ग्राफ ऊपर चाहिए, तो सिर्फ इतना पार्ट है ऊपर। यहाँ पर हमारे पास इक्वालिटी भी नहीं है, बराबर एग्जैक्टली भी नहीं चाहिए, तो ये कौन सा पार्ट होगा? तो एक्स की वैल्यू जीरो लेने पर तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वन पे भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बिटवीन जीरो एंड वन। तो व्हाट इज एक्स? एक्स बिलोंग्स टू ओपन जीरो टू वन, बिटवीन जीरो एंड वन, ओपन इंटरवल जीरो वन में साइन पाई एक्स बाई टू का ग्राफ ऊपर रहेगा और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे रहेगा, तो हमें साइन ग्रेटर चाहिए था, तो ये हमारा आंसर हो गया है कुछ। ओके, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज सॉल्व cos x ग्रेटर देन 1 माइनस 2x बाय पाई। तो यहाँ पर तो आप समझ जाएंगे लास्ट क्वेश्चन को देख के कि हम ऐसा पार्ट ढूंढेंगे जहां पर cos x का ग्राफ 1 माइनस 2x अपॉन पाई के ग्राफ से ऊपर की तरफ है, ऐसा पार्ट हमें ढूंढना है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा y इक्वल टू cos x का, और जो cos x फंक्शन है इसका जो पीरियड है वो है 2π, तो हमें कम से कम 2π तक, मतलब 2π इंटरवल लेंथ तक ड्रॉ करेंगे, और ये है y इक्वल टू 1 माइनस 2x अपॉन पाई। तो ये है x एक्सिस बराबर, और यहाँ पर y एक्सिस बना लेते हैं। तो जीरो इधर लिख देते हैं, पाई बाई टू, देन पाई, देन थ्री पाई बाई टू एंड टू पाई। यहाँ पर भी कुछ थोड़े बहुत लिख देते हैं, माइनस पाई अपॉन टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू एंड माइनस ऑफ टू पाई। पहले लाइन का ग्राफ बना देंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम x इक्वल टू जीरो यूज करते हैं तो फिर हमें y का वैल्यू 1 मिल जाएगा। ओके, तो जीरो पे 1 मिल चुका है, दिस वन इज 1। एंड देन अगर हम x का वैल्यू पाई बाई टू यूज कर लेते हैं, अगर x का वैल्यू पाई बाई टू यूज करेंगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, तो ये कहाँ पर x को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और कहाँ पर y को, वो हमें पता चल चुका है। एक और लेते हैं x इक्वल टू पाई, अगर हम x इक्वल टू पाई लेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 पाई, एंड पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1। ओके चलो, इतना काफी है, माइनस 1। ओके, तो जीरो पर हमें 1 मिला है, पाई बाय टू पे 0 एंड पाई पे माइनस 1, सो दिस वन इज ग्राफ ऑफ लाइन y इक्वल टू 1 माइनस 2x अपॉन पाई। अब हम ड्रॉ कर लेंगे cos x का ग्राफ, cos 0 होता है 1, फिर cos pi by 2 0, then cos pi is minus 1, cos of 3 pi by 2 and then 2 pi by 1, cos even function है, बराबर ऐसा हम ऑलरेडी आगे देख चुके हैं, minus pi by 2 जैसा राइट में ग्राफ है, वाई के राइट में है, बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ यहाँ पर भी होगा। ओके, तो ये ग्राफ कुछ इस हिसाब से चलेगा। ओके, या चल, अब हमें ऐसा पार्ट ढूंढना है जिसमें cos x का ग्राफ लाइन के ग्राफ से ऊपर हो, cos x का ग्राफ ऊपर होना चाहिए। तो cos x का ग्राफ ऊपर है, ऐसा पार्ट हमें ढूंढना है जो व्हाइट कलर से बनाया हुआ है, वो cos x का ग्राफ है। तो एक तो ये पार्ट है,
ये जो पार्ट है इसमें कॉस का ग्राफ ऊपर चल रहा है बराबर, और लाइन का ग्राफ नीचे है। बाकी ये जो पार्ट है इसमें तो लाइन ऊपर चली गई, तो ये पार्ट तो नहीं आएगा, नेगेटिव में तो कोई बिल्कुल पार्ट नहीं है। यहाँ पर हमें वापस पाई पे ये दोनों सेम नंबर दे रहे हैं, और उसके बाद वापस आपका जो कॉस का ग्राफ है वो ऊपर चला गया है, क्योंकि लाइन का ग्राफ तो अब अगर हम कॉस का ग्राफ ड्रॉ करते जाएंगे तो ये कुछ ऐसे ही चलता जाएगा और लाइन ऐसे ही स्ट्रेट नीचे की तरफ जा रही है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है, अब ये पूरा पार्ट क्या होगा, कॉस का ग्राफ ऊपर ही चलता जाएगा, और ये एक पार्ट है जिसपे कॉस का ग्राफ ऊपर है। तो एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है तो हम लिख देंगे जीरो से लेके पाई बाय टू, एक तो ये पार्ट है, या तो फिर पाई नहीं, ये थोड़ा पाई है ना, एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए बराबर ग्राफ के हिसाब से। तो पाई पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आफ्टर पाई कॉस का ग्राफ ऊपर है, तो या तो फिर पाई से लेके फिर अब यहाँ पर कॉस का ग्राफ, कॉस का जो डोमेन होता है वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो पाई टू इनफाइनाइट, ये है हमारी जो इनइक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन। ओके okay?